इस वेले शाहकोट तो एक दर्दनाक खबर सामने आई है। शाहकोट के इलाके विच पिंड मुंडी चोलियां दा 24 साल नौजवान अर्शदीप वध रहे पानी कारण मंडाला के नेड़े डूब गया है। यह हादसा रात 12 बजे होया है। मौके पर मौजूद लोगों मुताबिक लड़का कुछ सामान लेके अपनी मोटरसाइकिल से पुल तो लंघ रहा सी। पानी का बहाव तेज होने कारण वह मोटरसाइकिल समेत पानी च डिग पिया। मोटरसाइकिल नूं ओ रुड़न तो बचा रहा सी पर वह खुद भी नाल ही रुड़ गया। ग्रंथी सिंह अनुसार पिंड वासियां ने उसनूं फड़न की कोशिश की पर उसका मोटरसाइकिल हाथ च आया जिसनूं तक कढ लिया गया पर अर्शदीप का कोई पता नहीं लग सकिया अते लड़के की मौत होने का खदशा भी जताया जा रहा है। उन्हें कहा कि जेकर प्रशासन समय सिर आ जाता तो बच्चे हुण तक लभ्या जा सकता सी। हाँ जी बाबू, पहले अपना नाम दस्सो, किहड़े पिंड दे रहण वाले? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, पिंड मेरा जलालपुर कलां, और मैं मुंडी चोलियाँ जिन्हों टेंडी वाल भी कहिंदे आ उहदे विच ग्रंथी सिंह की ड्यूटी गुरुद्वारा साहिब विखे कर रहा। और कल शाम तो जिहड़ी स्थिति सारी बिगड़ी हुई है, इहदे विच साडे नगर का बच्चा जिहड़ा है 22-23 साल का बच्चा है अर्शदीप सिंह, जिहदे बाप का नाम बलकार सिंह है और जिहदे दादा जी का नाम है फौजा सिंह पहलवान, वो बच्चा लोहिया तो उन्होंने मकान जिहड़ा किराए ते लिया सी रहण वास्ते उत्थों अपना कुछ समान लैण वास्ते पिंड च आया है। और उत्थों जदों वापस आया पानी दी फेट वजण कारण वो पानी दे विच डिग पिया। और कीड़ी जगह एग्जैक्टली डिग गया है? ये जी अपना जिहड़ा नल तो मुंडी चोलियां नूं पुल जा रहा है उहदे लागे, और इत्थे जिहड़े मुंडे खड़े सी नौजवान उन्होंने भज्जा खित भज कीती है। उस लड़के का मोटरसाइकिल उन्होंने हाथ च आ गया। कल रात की गल है जी, 11 बजे की, और मोटरसाइकिल जो हाथ च आ गया पर लड़का हाथ च नहीं आया। और हाले तक भी सानू उस लड़के का कोई पता नहीं लग रहा भी की चक्कर है, की चक्कर बनया की नहीं बनया। वो हाले तक भी गुमशुदी है इस पानी के, कोई प्रशासन वाला इतने साढ़े को नहीं पहुँचा। किसी तरह की कोई भी मदद उस लड़के को लभण वास्ते प्रशासन वालों कोई नहीं साड़ी की गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई इतने पहुँच नहीं रहा। तो अपने लड़का डुबया कि रोकने की कोशिश की या फिर की मजबूरी सी जो करके वो पार कर रहा है या फिर वो समान अपना कोई लैन जा लैके आ रहा है जिहड़ा उन्हें अपनी माता दे कोल लैके उत्थे लोहिया पहुँचना सी, वो अपने नगर के कढ के लेके आ रहा और उत्थे लोहिया शहर उन्हें पहुँचना सी और पुल पार कर रहा वै। पानी की ज़्यादा चपेट होने कारण मोटरसाइकिल उसके को अनबैलेंस हो गया जिदा करके वो पानी के डिग गए। बचा उस वे बचाने की भी कोशिश की होर मुंडिया ने या फिर अगे जो नौजवान मुंडे खड़े से भज के गए ने, पर पानी ज़्यादा से पानी ज़्यादा की रेड़ के मुंडा रुड़ गया, मोटरसाइकिल हाथ में आ गया, मोटरसाइकिल बाहर कढ लिया पर मुंडे का हाले तक कोई पता नहीं। प्रशासन रात का कोई आया से कदों आए, उन्होंने इनफॉर्मेशन दी तो की अपने उन्होंने वालों कार्रवाई? सवेरे दो पुलिस मुलाजम आए ने। रात इनफॉर्मेशन दी उन्होंने? हाँ जी हाँ जी, दो सवेरे पुलिस मुलाजम आए ने जो नाम लैके एड्रैस लैके चले गए ने, उदू बाद इतने कोई नहीं आया। हाँ जी, तो तुम्हें लगता कि प्रशासन तो अगर टाइम सर सहायता मिलती तो बचाया जा सकता है या फिर कढ़िया जा सकता? हाले जा सकता सी जो प्रशासन साड़ी मदद करता, हो सकता हुण तक डेड बॉडी उहदी बच्चे की बाहर आ जाती और उहदी माँ विलक रही है, कल्ही उहदी माँ आ, उहनूं कोई त्रवास हो जाता, उहदे वल वेख ही नहीं हो रहा जिदा विलक रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈਗਾ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਆ ਗਏ, ਧਿਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪ੍ਰਮਈਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਈ ਖਬਰ ਆਈ ਏ ਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਵਿਲਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਲਕਦਿਆਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।